हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का। तो आज का जो पहला वीडियो है वो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पहले समझते हैं वर्कशीट 3 में किस तरह के क्वेश्चन गिवन है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मेथड हम सीखेंगे। मैं आपको आज 3 मेथड बताऊंगा, आपका बुक का मेथड और जो 2 मेथड है मैं बताऊंगा आपका। ठीक है, तो हम अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन। तो हम समझेंगे वर्कशीट 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि वर्कशीट 3 में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ट मेथड होगा। बट आप तीनों मेथड जान लो, तीनों मेथड से कैसे सॉल्व होता है उसको आप समझ लो, तब आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा मेथड में जल्दी करना है, कौन सा मेथड इजी है आपके लिए, कौन सा मेथड हार्ड है आपके लिए। तो चलो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बेसिस पे हम तीनों मेथड को देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक्स प्लस टू होल इंटू एक्स प्लस फोर। ठीक है, अच्छा यहाँ आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कितने टर्म्स हैं इसमें। इस पहला वाला देखो, इसमें 2 टर्म्स है, एक से और एक 2 है। फिर इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 टर्म्स है, एक से और 4 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब हम जो मल्टीप्लिकेशन अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्वेश्चन, इस मल्टीप्लिकेशन का नाम है बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। मतलब बाइनोमियल मतलब कौन, ये एक्स प्लस टू टू बाइनोमियल, और ये दूसरा बाइनोमियल क्या है, एक्स प्लस फोर, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज वो है बाइनोमियल टू बाइनोमियल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो इसको समझने के लिए हम तीन मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेथड नंबर वन जो है जो वो आपका बुक का मेथड है। ठीक है, तो मेथड नंबर वन ध्यान से देखो, तो मेथड नंबर वन में पहले आपको क्या करना है, स्टेप लिखना है, स्टेप वन जैसे आपके बुक में गिवन है। इसी पे बेसिस करके हम यही मेथड को सॉर्ट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे मेथड नंबर 3, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में लास्ट में। जो मेथड से हम करने वाले हैं एक्चुअली, जो वर्कशीट 3 जो हम करने वाले हैं जो मेथड से, वो मेथड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मेथड नंबर 3 वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड नंबर वन में देखो क्या हो रहा है, स्टेप नंबर वन में क्या करना है आपको, यहाँ पर इस चीज़ को समझो पहले। यहाँ पर x प्लस टू को हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को भी करना है और 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, इन दोनों के साथ, x प्लस फोर इन दोनों के साथ करना है। तो हम एक एक करेंगे, हम पहले क्या कर देंगे बच्चों, ध्यान से देखो, हम पहले क्या कर देंगे, ये जो x है ना, ये जो x है, x को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ, किसके साथ, x और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स एक्स का तो काम हो गया और बचा क्या, 2 बचा, प्लस 2 यहाँ पर रहा, तो प्लस 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा फिर इन दोनों के साथ, किसके साथ, इन दोनों के साथ, एक्स प्लस 4 के साथ। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, अच्छा देखो मैं स्टेप वाइज में कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको डायग्राम में बताया आपको, अब मैं यहाँ पर स्टेप वन में लिखूंगा कि पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई, जो एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, एक्स प्लस 4 दोनों के साथ। तो एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखो, जब भी कोई एक नंबर या फिर एक कोई यहाँ पर एक जो टर्म है, अगर वो मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ, दो चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहने का मतलब यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस फोर है, और एक जगह पर क्या है, एक्स प्लस फोर है। हमें क्या करना है, एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, फिर हमें एक्स को मल्टीप्लाई करना है फोर के साथ। कहने का मतलब एक्स जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ होगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखने का फॉर्म क्या है, ये तो मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि ऐसा हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ और एक्स मल्टीप्लाई होगा फिर
फोर के साथ। अगर इसको मुझे एक फॉर्म देना होगा, फॉर्म इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स लिखोगे पहले, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोगे एक्स प्लस फोर। यहाँ आप पूछोगे सर यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स और फोर, एक्स और प्लस फोर को दोनों दोनों को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स के साथ भी हो रहा है, और एक्स जो मल्टीप्लाई होगा वो फोर के साथ भी होगा। ठीक है, तो जैसे हम सोच रहे हैं उसका एक फॉर्मेशन होता है, उसका एक फॉर्म होता है, तो उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा एक नंबर है 2x, ये 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है, सपोज x प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, ध्यान से तो देखो यहाँ पर समझ में आएगा आपको, मुझे 2x एक नंबर, 2x एक नंबर है मतलब एक टर्म है, मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, x के साथ भी 2x मल्टीप्लाई करना है मुझे और फोर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, किस फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे 2x, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स प्लस फोर। इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा कि हाँ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ये बेसिक फॉर्मेशन है, ये फॉर्म आपको याद रखना होगा, ये फॉर्म में आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है। यहाँ पर तो स्टेप नंबर वन में भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इन दोनों के साथ हो रहा है, तो इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, x ये फॉर्मेट है, ये जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x प्लस फोर दोनों के साथ, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, x लिख दोगे पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों बताओ, x प्लस फोर होगा। तो इस ये जो फॉर्मेट में मैंने लिखा, इसका मतलब ये निकल के आता है हमारा कि x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x के साथ भी हो रहा है और फोर के साथ भी हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे बताओ, स्टेप नंबर टू मैंने क्या बताया था, जैसे x मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, x प्लस फोर दोनों के साथ, फिर हम किसको पकड़ेंगे, x का तो काम हो गया, अब चलो इसको छोड़ दो, और कौन बचा है, प्लस टू बचा है, तो प्लस टू सिर्फ प्लस टू रहा, तो यहाँ पर प्लस टू लिखो या फिर टू लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि टू मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स प्लस फोर दोनों के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जैसे एक्स मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, वैसे भी टू जो प्लस टू मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो इसको भी हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले टू लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम एक्स प्लस फोर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, अच्छा स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, स्टेप नंबर थ्री में आपको ऐड करना है, देखो स्टेप नंबर थ्री इन दोनों को ऐड कर दोगे आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो स्टेप नंबर वन का सॉल्विंग क्या होगा बताओ, मतलब आपको तो पता है कि मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसा कैसा होता है, वर्कशीट वन में किए हो, वर्कशीट नंबर टू में भी किए हो, तो मुझे बताओ कैसे करना है बताओ। हम क्या करेंगे बताओ, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ। तो यहाँ पर कितना आंसर हो गया, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर हम क्या करेंगे प्लस, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, प्लस फिर टू मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ, तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस एट। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन का आंसर क्या निकला, इतना निकला एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और स्टेप टू का जो मल्टीप्लाई किया हम आंसर निकला कितना, 2x प्लस एट। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे स्टेप नंबर थ्री, तो स्टेप नंबर थ्री देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, तो इन दोनों को प्लस करना है सिर्फ आपको, तो यहाँ पर लिख दोगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये स्टेप नंबर वन का प्रोडक्ट है, उसके बाद हम प्लस कर देंगे किसके साथ, इसके इसके साथ, स्टेप नंबर टू का जो प्रोडक्ट है हमारा 2x प्लस एट के साथ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, स्टेप नंबर थ्री है मैंने लिखा ये वाला। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर देखो और सॉल्विंग हो सकता है, आप सोचो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी इसका वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स है, दैट इज दिस बोथ आर लाइक टर्म्स, तब लाइक टर्म्स होगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप अल्जेब्रा पढ़े हो क्लास सिक्स में पढ़े होगे, लाइक टर्म्स प्लस हो जाता है, यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स होगा सॉल्व हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो आंसर आया कितना, फोर एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस एट, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हाँ ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, तो ये मेथड नंबर वन है जो आपका बुक का मेथड है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर टू, तो देखो मेथड नंबर टू मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, सेम क्वेश्चन को हम लेंगे, हम कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लेने वाले, हम यहाँ पर सेम क्वेश्चन लेंगे, वही जो एक्स प्लस टू होल इन टू एक्स प्लस फोर ही लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन देने से आपको तीनों मेथड में आपको पता चल जाए कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ मेथड नंबर टू, इसको ध्यान से समझ लोगे तो वर्कशीट थ्री खत्म हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक्स प्लस टू होल इन टू एक्स प्लस फोर, इसको हम मेथड नंबर टू से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे देखो ऊपर मैंने किया है, देखो ये मेथड नंबर वन है, ठीक है। मेथड नंबर वन का वही सेम क्वेश्चन देखो लिखा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर, एक्स प्लस टू होल इंटू एक्स प्लस फोर। देखो नीचे भी सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्स प्लस टू होल इंटू एक्स प्लस फोर। तो इसको हम सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर टू। तो मेथड नंबर टू में आपको क्या करना है, देखो जैसे हम ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ, चैप्टर टू आप पढ़े होंगे। चैप्टर टू आपका क्या था, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर था। चैप्टर टू में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, जो आपको जिस मेथड से हम अभी तक करके आ रहे हैं, मतलब वर्सेट वन हमने किया है, वर्सेट टू किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो था ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था उसी को हम सॉल्व करके कर रहे थे। मैं आपको और एक बार बता भी देता हूँ वो क्या था प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर क्या था, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, पहले पहले एक्स इंटू वाई फिर प्लस एक्स इंटू जेड, यही था प्रॉपर्टी हमारा। अच्छा माइनस के लिए फिर क्या लिख रहे थे हम, एक्स इंटू क्या था, वाई माइनस जेड था, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, पहले एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था वाई के साथ, फिर माइनस हो रहा था, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था जेड के साथ। यही दो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे वर्कशीट नंबर वन में और वर्कशीट नंबर टू में। बट मैंने आपको वर्कशीट टू में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर फाइव जो सिंप्लीफिकेशन में जब करा रहा था वर्कशीट टू का, तो मैंने आपको बताया था कि ये मेथड आपको ये प्रॉपर्टी और फॉलो नहीं करना है आपको। मैंने आपको और एक मेथड बताया था उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट वो मेथड को हम ब्रीफली पढ़ेंगे हम मेथड नंबर थ्री में। यहाँ मेथड नंबर टू में देखो मैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ पर करना चाहता हूँ, मतलब जो प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर टू में, जो प्रॉपर्टी था हमारा मल्टीप्लिकेशन का, ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके करेंगे इस ये जो मेथड में जो किया हुआ है इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे। देखो चैप्टर नंबर टू का जो प्रॉपर्टी था हमारा वो हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं वर्कशीट नंबर वन में वर्कशीट नंबर टू में। तो देखो यहाँ पर बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पर अप्लाई होगी, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर बच्चों में यहाँ पर वैसे सेम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े हैं उसको ऊपर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, एक्स प्लस फोर के साथ, और यहाँ पर प्लस टू मल्टीप्लाई होगा फिर इन दोनों के साथ। तो इसको हम उसी फॉर्मेट में पहले लिखेंगे, फॉर्मेट आपको वही सेम लिखना है, कोई भी मेथड अप्लाई करो फॉर्मेट आपको वही सेम ही लिखना है। यहाँ पर आप लिखो, आप एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस टू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस फोर के साथ, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आप स्क्वायर, जैसे हम कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लो। पहले आपको क्या करना है, देखो पहले आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स के साथ। देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, देखो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फोर के साथ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर हम ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पर, फिर टू मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर टू मल्टीप्लाई करेंगे फोर के साथ, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, फोर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर इसको रखो, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो कि कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस ये हो गया एट, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में हम क्या ब्रैकेट खोल देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ये हो गया कितना आपका, टू एक्स प्लस एट। अच्छा इसको आप सॉल्व करो तो वही देखो सेम आंसर निकलेगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका सिक्स एक्स प्लस एट, देखो सेम आंसर निकला, ऊपर भी वही सेम आंसर था नीचे भी हमारा सेम आंसर है, देखो। तो यहाँ हमें मेथड नंबर टू से हमने यहाँ पर सॉल्विंग किया ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके, जो प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर टू में जो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे उसको हम अप्लाई किए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उसको अब ध्यान से देखो, जो कि आपको मेथड अप्लाई करना है वो हर एक प्रॉब्लम में वो चीज़ आपको अप्लाई करना होगा। ये मेथड से करोगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, और जो मेथड नंबर वन भी जो बताया आपको वो भी बहुत लंबा मेथड है, बहुत लेंदी मेथड है। आपको स्टेप वन लिखना है, फिर स्टेप टू लिखना है, फिर स्टेप थ्री लिखना है। जो अभी जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको उसको आप ध्यान से सुनोगे ताकि उसी मेथड को हम अप्लाई कर सकें वर्कशीट नंबर थ्री में। वो बेस्ट मेथड है, आपको बस समझना है कैसे करना है, एक बार समझ गए तो बहुत ईजी लगेगा आपको। तो चलो सेम क्वेश्चन को हम नीचे यहाँ पर लिखते हैं, मेथड नंबर थ्री इसको हेडिंग देंगे हम। देखो यहाँ पर नीचे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ मेथड नंबर थ्री। बच्चों ध्यान से इस मेथड को देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इजी मेथड भी है और बहुत शॉर्टकट मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक
ठीक है, बस आपको समझना है कि कैसे आप इसको करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, वही एक्स प्लस टू होल इंटू एक्स प्लस फोर। ठीक है, अच्छा सेम कॉन्सेप्ट होगा। मैं जो फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट सब वही रहेगा। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स प्लस फोर के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस टू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये फॉर्मेट में लिखने के बाद पहला स्टेप आपको ये करना है, पहला स्टेप आपको वो फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये स्टेप जब आप कर लिए तो सेकेंड स्टेप जो होगा उसको हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा, या मेथड नंबर थ्री। यहाँ पर आपको यहाँ एटलीस्ट कितना, दो या तीन लाइन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा आपको यहाँ पर समय नहीं लगेगा करने के लिए। यहाँ आपको मतलब माइंड में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर तो हमें पता है एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स के साथ होगा। फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना निकलेगा। पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ, प्लस फोर के साथ। ठीक है, याद रखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रहे थे, ये जो प्लस साइन इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट ये जो मेथड मैंने आपको बताया था वर्कशीट नंबर टू में बताया था, आपको इसको प्लस साइन कंसिडर करना है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्लस फोर के साथ। तो मुझे बताओ आंसर कितना निकलेगा, तो एक्स इंटू फोर कितना आंसर हो जाएगा, प्लस एक्स बोल प्लस एक्स प्लस फोर। ऐसा ऐसा सपोज देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, प्लस एक्स इंटू मैंने आपको क्या बोला, प्लस एक्स इंटू प्लस फोर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स इंटू फोर एक ही बात है, क्योंकि एक्स प्लस एक्स जो है एक्स वही है, प्लस फोर जो है सिर्फ फोर वही है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना। तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, फोर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा बोलो, फोर एक्स हो जाएगा। इसका पार्ट खत्म हो गया। फिर यहाँ पर देखो टू मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो कितना आंसर हो गया बताओ, टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स। फिर प्लस टू मल्टीप्लाई होगा प्लस फोर के साथ, मतलब टू मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ, कितना आंसर हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस, सॉरी प्लस एट। ठीक है, तो इसका सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका सिक्स एक्स प्लस एट। देखो कितना जल्दी हो गया, देखो सेम आंसर, देखो आप ऊपर देख लो सेम मतलब आंसर निकला है। देखो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, देखो सेम आंसर निकला। तो आपको मेथड नंबर थ्री आपको याद रखना है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माइनस वाला, या तो प्लस मैंने आपको दिया है, अगर माइनस का अगर होगा तो मेथड नंबर थ्री में हम कैसे करेंगे। अब मेथड नंबर टू आप फोकस मत करो, मेथड नंबर वन भी छोड़ दो, अब हम मेथड नंबर थ्री पर फोकस करेंगे। बट और एक एग्जाम्पल लेंगे हम माइनस वाला, माइनस का एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे और भी क्लियर इस कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट को हम क्लियर हो जाएंगे एक माइनस वाला एग्जांपल लेके। तो देखो बच्चों, मैं एक माइनस का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, होल इंटू यहाँ पर लिखा मैं फोर एक्स, मैं लिखा माइनस सपोज थ्री। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे पहले आप खुद ही बताओ कि फॉर्मेट में क्या लिखूँ। आपको हमेशा स्टेप नंबर वन यही याद रखना है कि आपको फॉर्मेट लिखना है। एक बार आपने फॉर्मेट लिखना सीख लिया तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मुझे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पहला जो बाइनोमियल है क्या है, टू एक्स माइनस थ्री, दूसरा बाइनोमियल यहाँ पर क्या है, फोर एक्स माइनस थ्री। तो जो पहला जो बाइनोमियल है मेरा, उसका पहला टर्म क्या है, ये जो बाइनोमियल है मेरा टू एक्स माइनस थ्री, इसका पहला टर्म क्या है, टू एक्स है। इसका मतलब मुझे टू एक्स को मल्टीप्लाई करना है दूसरे बाइनोमियल, होल बाइनोमियल के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब पहला जो बाइनोमियल है उसका पहला टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, ये जो सेकेंड बाइनोमियल होल जो टू फोर एक्स माइनस थ्री, इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई करना है। जब मुझे पता चला कि टू एक्स को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो मैं कैसे फॉर्मेट लिखूंगा, टू एक्स जैसे मैंने आपको सिखाया था ऊपर स्टार्टिंग के वीडियो में सिखाया था, स्टार्टिंग जब मैं ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको ये फॉर्मेट सिखाया था। मुझे पता चला टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, फोर एक्स माइनस थ्री के साथ। तो मैं ऐसे लिखूंगा टू एक्स ब्रैकेट के अंदर फोर एक्स माइनस थ्री, ऐसे अगर आप लिखोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको सीखना है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखो, तो मेरा जो टू एक्स जो था मेरा टू एक्स को मैंने यहाँ पर लेके उसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म। किसका काम खत्म बताओ, टू एक्स का काम खत्म हो गया। अब बचा कौन, दूसरा क्या है, दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पर माइनस थ्री है, तब हम दूसरा टर्म लेंगे, दूसरा टर्म क्या है, माइनस थ्री है। फिर वही सेम चीज़ करना है जैसे टू एक्स के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई आप किए, उसी तरह तो दूसरा टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, माइनस थ्री। देखो ये दूसरा टर्म मैं ऊपर टिक मारता हूँ, देखो दूसरा टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर फोर एक्स माइनस थ्री के साथ ही करेंगे।
ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया, किसी का भी आई थिंक डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक जब आप समझ गए बच्चों तो यहाँ तक आई थिंक आपका 50% प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो गया। ये फॉर्मेट जो लिखना सीख गया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अच्छा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट के बाद सेकंड स्टेप जो हमारा होगा क्या होगा, ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप बहुत ईजी है, आपको सिर्फ बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, तो आपको जो फोकस करना है आप किस पे करना है, आपको बस इतने पार्ट देखो, मेरा जो यहाँ पर जो कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्सर को देखो, आप सिर्फ इसी पार्ट पर फोकस करोगे। किस पे? 2x, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है 4x माइनस, बस इसी पार्ट पे आपको फोकस करना है। देखो मैं जो राउंड घुमा रहा हूँ, देखो इसी पार्ट पे आपको फोकस करना है। इसको भूल जाओ, किसको भूल जाना है? माइनस 3 और ये जो ब्रैकेट के अंदर 4x-3, अब इसको भूल जाओ पूरा, अब इसको दिमाग से निकाल दो पूरा। अब किस पे फोकस करो? इतना, बस इतने पार्ट पे फोकस करना है आपको। मैं यहाँ पर दुखा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मुझे सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है, उसके बाद मैं इसको देखूंगा बाद में, पहले इसको फॉर्म सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं और एक बार लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वही सेम स्टेप और एक बार लिखता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, ताकि आप समझो कि हाँ भाई उसी पे फोकस करना है और कहीं पे फोकस नहीं करना है हमें। ठीक है, मैं और एक बार स्टेप को लिख दिया यहाँ पर। चलो, तो मुझे इसी पे फोकस करना है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, सिर्फ इसी पार्ट पर फोकस करना है आपको। तो जब इसी पार्ट पर हम फोकस करेंगे तो बताओ इसका आंसर कितना निकलेगा? आप बोलो 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 के साथ। याद रखो जो मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4x के साथ। आप बोल सकते हो 4 + 4x भी बोल सकते हो या फिर 4x भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो चलो मल्टीप्लाई करो ध्यान से, 2x को मल्टीप्लाई करो 4x के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अब देखो मैं आपको यहाँ पर रफ में समझा दे रहा हूँ, बट आप रफ यूज मत करना। ये जो रफ आप जो यहाँ पर मैं अभी करूँगा अभी, इसको आपको माइंड में करना है। ठीक है, पहले जो ये पहला पहला प्रॉब्लम है तो इसको पहले आप कर लो रफ में, बाद में इसको आप माइंड में ही करना है आपको। ठीक है, माइंड में करोगे ना तो जल्दी होगा। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि 2x को मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ? चलो मल्टीप्लाई करो। देखो मैं रफ में यहाँ पर कर रहा हूँ, 2x को मल्टीप्लाई किया मैंने 4x के साथ। बताओ आंसर कितना निकलेगा? पहले नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, कितना हो गया नंबर मल्टीप्लाई करने से? 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा? x × x कितना हो जाएगा? x2। तो हमारा आंसर कितना निकला? 8x2। तो यहाँ पर आप लिख दो 8x2। यहाँ तक सबको क्लियर? अच्छा, 2x के साथ हमने 4x को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर निकला 8x2। उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कौन बचा? फिर 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -3। याद रखो बच्चों, 3 नहीं, सिर्फ 3 नहीं है, -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये एक नंबर क्या है? 2x है। ये दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है? -3 है, 3 नहीं है, सिर्फ यहाँ -3 है। जब आप 3 को कंसिडर कर रहे हो एज ए नंबर, देन उसका साइन भी कंसिडर करो। ध्यान से रखो इस चीज़ को, 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -3 के साथ। तो मुझे बताओ आंसर कितना निकलेगा? अब मैं आपको बोलूँ, मन में सोचो कि 2x को मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, कितना आंसर निकलेगा? तो अब थोड़ा डिफिकल्ट आपको होगा, इसलिए मैं यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ। देखो कि 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -3 के साथ। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा, 2x को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे हमको पता है पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 × -3 कितना आंसर होगा? -6 होगा। और एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल लिख दो यहाँ पर, तो आंसर कितना होगा? -6x। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर रफ पे लिख रहा हूँ, बट आपको रफ में नहीं करना है, आपको मन में ये सब चीज़ मन में ही करना है। नेक्स्ट स्टेप जब मैं वर्कशीट कराऊंगा वो मैं रफ में ही लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट मन से हम उसको करेंगे, उसको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको, यहाँ तो हम कितना लिखेंगे बताओ? तो यहाँ हमारा आंसर निकल गया -6x। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका। अब हम आएंगे दूसरे पार्ट पे। किस पे? कौन से पार्ट पे? ये वाला पार्ट पे। कौन सा पार्ट पे? ये वाला दूसरा। देखो मैं आप ऊपर दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट पे आप आओ, -3 को कंसिडर करना, इतना फोकस करो, समझ में आया? -3 ब्रैकेट के अंदर 4x-3। अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो देखो को सॉल्व करो। देखो यहाँ पर तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4x के साथ। तो कितना आंसर निकलेगा बताओ? मैं यहाँ पर रफ में करता हूँ, हमें -3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4x के साथ। चलो मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा, -3 × 4 कितना हो जाएगा? -12 हो गया, और यहाँ पर वेरिएबल x है तो हो गया -12x। तो यहाँ पर बच्चों लिख दो कितना? -12x। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलो अच्छा है, नेक्स्ट देखो। फिर आपको क्या करना? देखो -3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4x के साथ। ठीक है बच्चों, ये +4x है। आप बोल रहे, अब आप सोचोगे सर यहाँ पर माइनस को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर भी मैं साइन कंसिडर कर रहा हूँ एज ए प्लस, बट प्लस में साइन ऐसे बोला नहीं जाता। प्लस फोर एक्स जो है 4x वही है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस नहीं बोल रहा हूँ। अब ये मैं सोचना कि सर पहला वाला टर्म में तो साइन को नहीं देख रहे हैं और दूसरा वाला टर्म में साइन को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर भी साइन को देख रहा हूँ, बट जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए मैं यहाँ प्लस नहीं बोल रहा हूँ। आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है,
तो चलो मैं बोल ही देता हूँ, माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, प्लस फोर एक्स के साथ। तो कितना आंसर होगा बताओ। देखो मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ, यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ यहाँ ऊपर कर देता हूँ। माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बताओ, प्लस फोर एक्स साथ, या प्लस फोर एक्स होगा। ठीक है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस फोर एक्स साथ, बट ऐसे लिखते नहीं है आप, प्लस मत लिखो, माइनस थ्री लिखो, इंटू लिखो या प्लस मत लिखो, क्योंकि प्लस फोर जो है फोर वही है, इसका उसको फोर एक्स लिखो। ठीक है, ऐसे लिखने में आपको समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आंसर निकलेगा, माइनस ट्वेल्व एक्स निकलेगा। पहले नंबर मल्टीप्लाई हो गया फिर वेरिएबल, तो यहाँ पर बच्चों आंसर कितना निकलेगा मुझे बताओ। माइनस ट्वेल्व एक्स मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, देखो माइनस ट्वेल्व एक्स यहाँ पर लिखा हूँ। अब इसको करते हैं, माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू माइनस थ्री के साथ, तो कितना आंसर निकलेगा बताओ। माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के साथ। ठीक है, देखो साइन आपको देखना है, इसके आगे जो ब्रैकेट के आगे जो नंबर है उसका भी साइन रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हम जो जिसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका भी आप साइन देखोगे ध्यान से। ठीक है, चलो कुछ नहीं, बहुत ईजी है। माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री के साथ, आंसर कितना निकलेगा बताओ। देखो मैं ऊपर यहाँ पर करता हूँ, माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री के साथ, आंसर कितना निकलेगा, पॉजिटिव नाइन निकलेगा। कितना निकलेगा, पॉजिटिव नाइन निकलेगा ना, ये कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर आंसर निकला आपका कितना, प्लस नाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब मुझे अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ फर्दर सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइक टर्म है इसलिए सॉल्व हो रहा है, अगर लाइक टर्म नहीं होता इनके बीच में तो हम सॉल्व नहीं करते। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो, लाइक टर्म्स है, देखो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, तो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर का आंसर निकला माइनस 18x+9। आई थिंक सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है, कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे वर्कशीट नंबर थ्री का जो पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान से इसको समझोगे, और कैसे ये कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर अप्लाई किया हूँ उसको हम जल्दी जल्दी अप्लाई कर करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको रफ में समझा दिया है, बट वर्कशीट थ्री का जो पहला क्वेश्चन करूँगा उसको मैं आपको रफ में ट्राई नहीं करूँगा समझाने के लिए, मैं चाहता हूँ आप खुद माइंड में करो ये सब चीज़, आप माइंड में करो अपना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर थ्री का पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ चुका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल, यहाँ हमको बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रफ में समझा भी दूंगा, बट आई थिंक ये जो प्लस वाला है ना इसको रफ जरूरत भी नहीं है, माइनस में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो उसमें हम रफ कर लेंगे, बट आई थिंक प्लस वाला है इसको कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपको। देखो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से देखो। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम करते हैं क्या ना, पहले स्टेप में हम पहले फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, क्या फॉर्मेट था बताओ। देखो 5x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इन दोनों के साथ, 2x प्लस 4 दोनों के साथ। तो फॉर्मेट क्या होगा, 5x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 4, ऐसा आप लिखोगे ना तो बच्चों कोई भी समझ जाएगा कि हाँ 5x मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि हम होल को कंसिडर, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, होल को कंसिडर कर रहे हैं हम, होल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अच्छा चलो, तो इसका फॉर्मेट तो हो गया, दूसरा फॉर्मेट क्या होगा बताओ, फिर प्लस 3। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर यहाँ पर 5x क्यों बोल रहे हैं, प्लस 5x क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों, देखो प्लस 5x जो है 5x वही है, आप चाहो तो यहाँ पर प्लस लिख दो साइड में, कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आपको साइन लिखना है, यहाँ पर साइन देना कोई जरूरत नहीं था, बट आप बोलोगे सर यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, आपने सर आगे तो यहाँ पर भी तो साइन नहीं दिया है ना, प्लस नहीं दिया है, जब आप सेकेंड वाला जब आप करेंगे तो आप तो प्लस साइन देने वाला हो यहाँ पर। देखो मैं सेकेंड स्टेप क्या लिखूंगा कि प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वही सेम नंबर, वही सेम जो बाइनोमियल 2x+4 के साथ। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट निकलेगा कि सर जैसे कि आपने बोला कि यहाँ 5x है मतलब प्लस भी इसके साथ है तो उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी तो प्लस थ्री है तो इसका भी तो यहाँ पर प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं था, तो आपने यहाँ पर क्यों लिखा। अगर बच्चों यहाँ पर अगर मैं प्लस नहीं लिखूंगा ना तो इसका दोनों का रिलेशन क्या होगा, कुछ यहाँ पर कुछ तो साइन यहाँ पर देना होगा ना, नहीं तो कैसे समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कुछ साइन अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का कुछ नहीं दोगे तो वो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, तो वहाँ उस वो जो राइट फॉर्मेट वो नहीं है। तो ध्यान से देखो, जब स्टार्टिंग में जब यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर आप प्लस साइन मत देना, बट जब दूसरा स्टेप, जब दूसरा नंबर में भी देखो, यहाँ पर दूसरा टर्म में भी क्या है, यहाँ पर दूसरा नंबर में भी यहाँ पर प्लस साइन है, बट यहाँ पर जो प्लस साइन है आपको यहाँ पर देना होगा, ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पर आपको प्लस थ्री देना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में था इसलिए आपको नहीं देना, कुछ जरूरत नहीं था यहाँ पर देने के लिए, बट अब सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म में जो साइन होगा, सेकंड टर्म में जो साइन हो यहाँ पर प्लस हो या फिर माइनस हो, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो सर मुझे ऐसा कन्फ्यूज हो रहा है यहाँ पर प्लस देना चाहता हूँ तो दे दो यहाँ पर, कुछ दिक्कत नहीं है आपको, मुझे प्लस दे दो यहाँ पर, प्लस 5x+3, समझ में आ गया। बट यहाँ पर प्लस स्टार्टिंग में जो होता है ना तो उसको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर माइनस होता यहाँ पर, माइनस 5x होता तो मैं यहाँ पर माइनस देता,
कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर प्लस, मुझे पता है कुछ नहीं है मतलब यहाँ प्लस है, और स्टार्टिंग में जो प्लस साइन दोगे उसका कुछ मतलब उसका कुछ रिलेशन यहाँ पर कुछ है क्या? ये जो प्लस 5x है बच्चों, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नंबर है क्या? अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ अगर कुछ एक्सप्रेशन होता तो मैं यहाँ पर प्लस साइन देता, समझे? जैसे कि यहाँ पर जो 5x है ना, 5x जो है ना, इसके लेफ्ट साइड में कुछ है क्या एक्सप्रेशन? कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिया। पर यहाँ पर देना जरूरी था क्योंकि देखो ये जो 3 है ना, इसके राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन है और इसके लेफ्ट साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस देना पड़ा। समझ में आ गया यहाँ पर क्यों नहीं प्लस साइन दिया और यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ मैं प्लस साइन? ठीक है चलो, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, 5x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 2x के साथ। फिर 5x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम देखो यहाँ पर रफ में भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर रफ का जरूरत कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसको मन में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ। देखो साइड में यहाँ पर देखो 5x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ कितना आंसर होगा? तो यहाँ जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे हमें पता है पहले कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा? वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर निकलेगा? 10 निकलेगा, और वेरिएबल कितना हो जाएगा? 10x2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10x2। ठीक है, उसी तरह देखो 5x फिर मल्टीप्लाई होगा आप किसके साथ होगा? प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x। तो यहाँ पर देखो 5x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? प्लस 4 से नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ 4 लिखूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आंसर निकलेगा पहले कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करो 20, फिर वेरिएबल 20x। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 20x। ठीक है अच्छा, अब बच्चों मैं यहाँ पर रफ में नहीं, रफ यूज नहीं करूंगा, अब हम मन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मन से हम करेंगे उसके लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पर एक स्टेप बता देता हूँ, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका आपको जो मन से जो करना है ना, रफ यूज नहीं करना है, मैं यहाँ पर एक स्टेप बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये स्टेप को फॉलो करोगे ना तो ये आपको रफ का जरूरत भी नहीं होगा, आप मन से कर लोगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ये है, आपको पहले क्या देखना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है किसको? साइन को। किसको मल्टीप्लाई करना है? साइन को मल्टीप्लाई करना है। नंबर 2, फिर मल्टीप्लाई करना है किसको? कांस्टेंट को। ठीक है अच्छा, नंबर 3, फिर मल्टीप्लाई करना है किसको? फिर मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल को। अगर आप इतना मन में सोच लेना बच्चों, तो आपको रफ की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये तीनों चीज़ को मैं कैसे यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, हम इसको तो हम यहाँ पर रफ में करके यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, बट ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम मन से करेंगे बाय अप्लाइंग दिस 3 स्टेप। ये 3 स्टेप को हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था क्या सोचने के लिए, पहले मल्टीप्लाई करो क्या साइन, यहाँ पर देखो प्लस, इसका साइन क्या है? 3 का साइन क्या है? प्लस है। इसका साइन क्या है? क्योंकि हमको पता है प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? प्लस 2x के साथ। तो पहले इन दोनों का साइन देखो, इसका पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? अगर आप प्लस को, प्लस साइन को इंटू करोगे प्लस साइन से, तो कितना आंसर नहीं क्या होगा? प्लस ही होगा। जो हम इंटीजर में पढ़े नहीं है, जो आप पढ़े हो ऑलरेडी, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जो प्लस होता है, और माइनस प्लस होता है माइनस, और फिर प्लस और प्लस होता है माइनस, ये सब चीज़ आप इंटीजर में पढ़े हो। आपने कभी सोचा इन दोनों का, इन दो साइन को जो रिलेशन क्या होता है? प्लस माइनस क्यों माइनस होता है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। आपने पढ़ा भी होगा इन दोनों के अंदर, ये दो साइन जो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके अंदर मल्टीप्लाई साइन है, इसलिए वो माइनस हुआ। ये सब इजी, यहाँ पर जितना साइन लिखा गया है, या फिर आप जितना भी आप साइन पढ़े हो क्लास 6 में इंटीजर में, प्लस माइनस माइनस क्यों होता है? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर इन दोनों के साइन के अंदर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन होने से ये प्लस, जो ये सब ये प्लस है, प्लस 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 होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही जो हमने यहाँ जो इंटीजर में बच्चों पढ़ा है, उसी को हम पढ़ेंगे किसमें, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको कहा साइन मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो पहले साइन मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस मल्टीप्लाई विद प्लस, कितना आंसर होगा? प्लस ही होगा। प्लस का प्लस साइन हो गया, ये वाला पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट को। साइन मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा स्टेप क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना है। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करो, इसका कॉन्स्टेंट क्या है? 3 है। इसका कॉन्स्टेंट क्या है? 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था आपको? मल्टीप्लाई करना है क्या? वेरिएबल। तो वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, इसका तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ इसका ही वेरिएबल एक ही अकेला है, तो एक्स होगा सिर्फ, एक्स सिर्फ लिख दो। देखो कितना आसानी हो गया, आपको रफ का जरूरत भी नहीं पड़ा, अपने मुंह से अपने जुबान से ही कर दिया आपने। ठीक है, ऐसे ही करते हैं बच्चों, ये एक ट्रिक है, आपको याद रखो इस तीनों चीज़ को अपने माइंड में रखना, आपको ऑटोमेटिकली सब क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, कुछ भी 1% का भी दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर देखो नेक्स्ट ये वाला, ये तो सिंपल ही है, प्लस प्लस साइन देखो, प्लस 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 होगा, फिर हम इसमें वेरिएबल तो है नहीं, कॉन्स्टेंट सिर्फ करना है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 कितना हो जाता है? 12। ठीक है देखो,
इसको जो फाइनल आंसर जो हमारा निकला यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x2, इसको आप प्लस कर दो, ये जो सॉरी यहाँ पर 12 मिट गया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 26x+12। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, बीट 1 का आंसर ये है 10x2 + 26x + 12। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट आई थिंक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप स्टार्टिंग से और एक बार देखो, आप समझ पाओगे। मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में आपको समझाया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं बहुत ही डिटेल वे में आपको समझाया है, आई थिंक कोई भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैंने समझाया है आपको। 1% का आपको डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर डाउट हो रहा है इसका मतलब आपने वीडियो ठीक से नहीं देखा है। अब स्टार्टिंग से और एक बार देखोगे आपको, मैं गारंटी देता हूँ आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। अगर जो ध्यान से देखा होगा इस वीडियो को, ध्यान से मेरे बात को सुना होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो जो मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छी तरह इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान से उसको सुनो और उसके बारे में सोचो कि सर कैसे कर रहे हैं। एक बार आप समझ गए ना मेरा टेक्निक, अब आपने अगर यूज कर लिया ना बच्चों, तो आपको कोई भी बुक का प्रॉब्लम, ये क्या DAB की बुक है, आप तो RD शर्मा आर्य सरगर का बुक भी आराम से कर सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से सीख लिया मुझसे। ठीक है, मुझसे एक बार जो कॉन्सेप्ट सीख लेगा वो कहीं पर नहीं, मतलब कहीं भी नहीं, कोई ऐसा कहीं भी बुक नहीं होगा जिसका क्वेश्चन वो नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा कोई भी बुक नहीं जिसका क्वेश्चन वो नहीं कर पाए, हर क्वेश्चन वो कर सकता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपने मुझसे अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और वहाँ पर उसको किसी भी प्रॉब्लम में आपने किसी के अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लिया, तो बच्चों आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई हो जाए।